हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं रांची के मुराबादी मैदान में दोस्तों वुमेन्स का हॉकी मैच देखने के लिए। और दोस्तों आज यहां देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है दोस्तों, क्योंकि आज है सेमीफाइनल और लाइन आप देख सकते हैं दोस्तों 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, यह देखिए यहाँ से काफी दूर तक है, वहाँ देखिए काफी दूर तक ये लाइन जा रही है दोस्तों, और ये काफी देर तक खड़ा है दोस्तों। ये लोग जितना भी दूर आए हुए हैं, काफी दूर से आए हुए हैं, और ये लोग काफी देर से खड़े हैं यहाँ पे मैच देखने के लिए, क्योंकि आज है सेमीफाइनल और कल होगा दोस्तों फाइनल। तो सोच सकते हैं कि सेमीफाइनल में इतनी ज्यादा भीड़ है तो फाइनल में कितनी ज्यादा भीड़ होगी। दोस्तों आज रांची का मौसम बहुत ही ज्यादा माइनस में चल रहा है दोस्तों, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा ठंड है और कोहरा से तो दोस्तों पूरा रांची ढका हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी ज्यादा, आप लोग अगर नजर आ रहा होगा कैमरा में तो काफी ज्यादा कोहरा है दोस्तों, दूर दूर से काफी चीजें नजर नहीं आ रही है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये जो लाइन लगी हुई है काफी दूर तक है और कोहरा की वजह से काफी दूर तक लाइन नजर भी नहीं आ रही है दोस्तों। और जिस तरह से भीड़ है दोस्तों, मुझे लगता है काफी लोग खड़े होके भी देखेंगे दोस्तों, क्योंकि स्टेडियम फुल हो गया है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉग राइडर्स में। मैं अयान और मेरे साथ है मेरे पार्टनर शंकी द कैमरामैन। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं रांची के मुराबादी मैदान में, और यहाँ पे दोस्तों फिर से हो रहा है वुमेन्स हॉकी का मैच, और आज है दोस्तों सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस जर्मनी का। तो देखते हैं दोस्तों कि मैच कैसा होगा, तो चलिए चलते हैं स्टेडियम के अंदर और दिखाते हैं आपको इंडिया वर्सेस जर्मनी का मैच। देखते हैं गाइस, हम आ गए हैं स्टेडियम के अंदर और एकदम खचमखच भीड़ है। क्या है सर, बहुत ज्यादा भीड़ है? और इतना ज्यादा भीड़ तो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि सेमीफाइनल है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि फाइनल में कितना भीड़ होने वाला है। बहुत ज्यादा भीड़ है। और अभी कुछ देर में दोस्तों इंडिया वर्सेज जर्मनी का मैच चालू होने वाला है, और अभी आपको दिखाएंगे हम इंडिया वर्सेज जर्मनी का सेमीफाइनल मैच। और एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कौन जीतेगा और उसके बाद कल है फाइनल, तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल ना भूले। हाँ, और आपको स्टेडियम के अंदर फाइनल मैच देखना है दोस्तों, 4 बजे से पहले आना है आप लोग को। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो 4 बजे के पहले आइएगा तभी आपको एंट्री मिलेगा दोस्तों। बहुत भीड़ है, और पास मिलना तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और एक और बात बता देते हैं आपको, कॉपीराइट आ जाएगा उलाला में बहुत ज्यादा, यहाँ पे बहुत साउंड पे उलाला उलाला साउंड बज रहा है, तो मुझे लगता है कॉपीराइट आने का चांसेस है। इस वजह से अभी आपको थोड़ी देर बाद इंडिया वर्सेस जर्मनी का मैच दिखाते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पे। और आप देख सकते हैं दोस्तों अभी जो है इंडिया टीम और जर्मनी टीम मैदान पे आ चुकी है, और अभी प्रैक्टिस चल रहा है दोस्तों, टाइम होते ही मैच स्टार्ट हो जाएगा। और अभी दोनों टीम अपने अपने टीम मेंबर के साथ प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, 7:30 बजे से मैच स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। तो शंके भाई क्या लगता है कौन जीतेगा ये मैच? कौन जीतेगा यार? अपना इंडिया जीतेगा, काफी दबाव है दोनों टीम के ऊपर, देख सकते हैं काफी खचमखच भीड़ है। पिछला मैच तो बहुत अच्छा स्कोर से जीत गया था, 5-0 से इंडिया जीत गया था। इस तरह से फैंस इंडिया टीम के फैंस संगीता का बैनर लेके खड़े हैं, और खचमखच भी है दोस्तों। और देख सकते हैं दोस्तों कुछ ही देर में मैच स्टार्ट होने वाली है, और मैदान में तैयारी चल रही है, मैच स्टार्ट होने वाली है, और बारिश भी होने वाली है दोस्तों, जैसा कि मौसम बनाया हुआ है बहुत, और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है दोस्तों, बहुत ज्यादा कोहरा है दोस्तों। आज रांची में बहुत ही घमासान कोहरा है दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, और हल्की बारिश हो रही है अभी, और हम टेंशन में हैं कि कैसे बचेंगे, यहाँ पे कोई सेट वगैरह भी नहीं लगा हुआ है स्टेडियम में। मुझे तो लगता है जितना यहाँ पे भीड़ है उस हिसाब से बारिश भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है यहाँ के लोगों की, बारिश में भी यहाँ पे लोग टिके हुए रहेंगे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि फ्री में देखने को मिला है कि नहीं भाई? फ्री एंट्री होने के कारण खचमखच भीड़, और देख सकते हैं आप, सब चाहता है कि हरमखोरी में मिले कुछ भी, कलकतरा का ही नहीं रहे। और पूरी तैयारी हो चुकी है दोस्तों, टीम इंडिया और टीम जर्मनी मैदान पे आने वाले हैं, और ये देखिए भाई हमारे, ये भाई को दिखाओ, ये देखो मुझे हो तो कहाँ से आए हो? माइक दो,
रांची से आए हो? क्या बात कर रहे हो? देख सकते हैं गाइस, ये बहुत दूर से आए हैं, रांची से आए हैं भाई साहब। उधर देखिए, क्या नाम है आपका? बोलिए। हम बोले क्या नाम है? आप भी बोल रहे थे, हम क्या बोले? बोल रहे हैं कि ठंडा कैसा है? ठंडा गरम है। ठंडा गरम है? अरे हमारी साथ में देखिए दोस्त आंटी जी, ऐसे ऐसे पुराने भी होते हैं। आंटी जी को माइक दो। क्या नाम है आंटी? क्या नाम है? मेरा नाम है उर्मिला उराव। हमको आपको देख के लग रहा है कि पूरा रांची का ठंडा आप ही को लग रहा है? सच में ठंडा लग रहा है तो फिर भी देखने आ गए? हाँ, घर में न रहना चाहिए आंटी। नहीं तो देखने का मन किया तो नहीं आएंगे। तो रोटी वोटी कौन बनाएगा फिर घर में? रात का घर में बनाने वाला है दादी लोग, उसको घर में छोड़ दिया, अपने यहाँ एंजॉय करने आ गए। चलो छोड़ दो यार, छोड़ दो, माफ कर दो आंटी को, लेके आए हैं आंटी को, माफ कर दो। देख सकते हैं पूरा कोहरा ही कोहरा। और ये भाई हमारे देखिए, क्या नाम है दोस्त आपका? क्या नाम? मेरा नाम, हाँ तुम नहीं नाम मंगरू। हाँ मंगरू, हाँ मंगरू है दोस्तों। YouTube में तो आप लोग देखे होंगे इसको। और हल्की बारिश के साथ मैच स्टार्ट होने वाली है, इंडिया वर्सेस जर्मनी। और देख सकते हैं दोस्तों, खिलाड़ियों का एंट्री हो चुका है मैदान में, और खिलाड़ियों का बहुत उत्साहित है दोस्तों, और काफी शोर हो रहा है मैदान में, लोग काफी उत्साहित है मैच देखने के लिए। और टीम इंडिया और टीम जर्मनी खड़ी है दोस्तों, देख सकते हैं आप। मेरी दाहिनी तरफ टीम जर्मनी और बाईं तरफ टीम इंडिया दोस्तों। और अभी दोनों देश के नेशनल एंथम गाए जाएंगे। रिक्वेस्टफुली लोग स्टेडियम में खड़े हो चुके हैं, और हमारे माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी मैदान पे पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अजय नाथ सहदो जी भी मैदान में पहुंच चुके हैं दोस्तों, और सभी लोग खड़े हो चुके हैं। मैं एक बार आपको दिखाता हूं। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से लोग बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ स्टेडियम में खड़े हो चुके हैं, क्योंकि हमारा देश का राष्ट्रीय गान गाया जाएगा अभी ठीक मैच से पहले। देखिए ऐलान भी कर दिया गया है। और ये अभी जर्मनी का राष्ट्रीय गान हो रहा है दोस्तों, और इसके बाद हमारा इंडिया का राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। और लोग काफ़ी रिक्वेस्टफुली खड़े हैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों अपने राष्ट्रीय गान के बाद। और दोस्तों अभी कुछ ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है, और अभी हम देखेंगे सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस जर्मनी। तो बने रहे हमारे चैनल पे दोस्तों, फ्लोर रेड एक्स पे। इंडिया 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 इंडिया। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल भी जगह नहीं है, हम बहुत ही कंजेस्टेड के साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं है। बहुत कंजेस्टेड टाइप से बैठे हुए भैया हम यहाँ पे, और हमको जो है बहुत तकलीफ हो रहा है, क्या करें भैया। देख रहे इतना इतना आदमी लोग है, इन लोग का जरा सा भी दिल नहीं है। होने वाली है दोस्तों यहाँ पे, हम वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा इन लोग को दिखा रहे हैं, तो इन लोग को समझना चाहिए कि हमको थोड़ा सा जगह दे। है बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है पब्लिक, क्या करे, समझ का दिल नहीं है, बड़ा दिल है नहीं, मतलब फ्री में मिल रहा है यहाँ आने। देख सकते हैं दोस्तों कुछ ही सेकंड में मैच स्टार्ट होने वाली है, और लोगों में काफी उत्साह है दोस्तों। लोग सिर्फ इंडिया ही इंडिया चिल्ला रहे हैं, क्योंकि जर्मनी के लोग है ही नहीं यहाँ पे। और दोस्तों थोड़ा सा लोगों को देखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ज्यादा ही कोहरा छाया हुआ है। और कौन खेल रही है, कौन संगीता है, कौन बबीता है, और कौन कुछ समझ में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्टार्ट हो चुका है, 4 3 2 1 ये स्टार्ट दोस्तों।
और ये हमारे झारखंड है। अब एक ही बॉल के पीछे 20 लोग दौड़ेंगे दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। और सोच रहा है सब कि किसका एक गोल होगा किसका दो होगा, यहाँ तो अभी तक स्टार्ट ही हुआ अभी तो। और देखिए दोस्तों कोहरा की तरफ सब चल गया है और कोई नजर नहीं आ रहा है कौन जर्मनी है कौन इंडिया है कौन संगीता है कौन बबीता है। काफी ज्यादा कोहरा है दोस्तों, सोचिए सेमीफाइनल में ऐसा कोहरा है तो फाइनल में कैसा होगा। धुआं धुआं कर देगा है मतलब। पूरा धुआं धुआं हो गया है दोस्तों, लग रहा है सब गांजा का धुआं है। धुआं ले गाड़ी लाइए थोड़ा। और हल्की हल्की बारिश हो रही है दोस्तों, और ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है दोस्तों, बट क्या बात हो रही है पता नहीं चल रहा है क्योंकि काफी दूर है, लोग कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। शायद प्लेंटी कॉर्नर मिलने वाला है शायद अभी तो गेम स्टार्ट ही हुआ था दोस्तों, और तुरंत प्लेंटी कॉर्नर मिलेगा ये तो बहुत गलत बात है। थोड़ा सा तो जोश दिखाना चाहिए लोगों को, थोड़ा बढ़िया से खेलना चाहिए। और बहुत ही धांसु कोहरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। वो तो दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी है तो थोड़ा मोड़ा नजर भी आ रहा है हम लोग को, लेकिन बीच में लोग प्लेयर आ रहा है तब नजर आ रहा है, ये लोग अगर नेट की तरफ जा रहे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, दोनों तरफ कोहरा ही कोहरा है। और मैं बता दूं दोस्तों दोनों ही टीम बहुत ही मजबूत, और दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस मैच में, शुरू से लेकर लास्ट तक इन लोग काफी अच्छा खेलते आए दोस्तों, इसीलिए सेमीफाइनल तक इंडिया और जर्मनी पहुंच पाई है। और बहुत कड़ा मुकाबला हो रहा है दोस्तों इंडिया वर्सेस जर्मनी, और आज फैसला होगा दोस्तों कि फाइनल में कौन सा टीम लोगों में जाएगा। काफी खासा उत्साह आप देख सकते हैं, शोर सुन सकते हैं, काफी एनर्जी के साथ जर्मनी और इंडिया की टीम खेल रही है दोस्तों, और दोनों में काफी ज्यादा फुर्ती है दोस्तों। ये देखिए ये टच हो गया, कोई नहीं, ये चौका हो गया दोस्तों। अफसोस कैच आउट होना पड़ा, और काफी उत्साहजनक मैच, और जर्मनी के टीम के मेंबर के काफी बेतुकेद बोतिकुए से नाम दोस्तों, जैसे हॉरन, विडमैन। और ये देखिए दोस्तों गोल होते होते रह गया, जर्मनी वाले ने बचा लिया, और ये काफी अच्छा डिफेंस करते हुए जर्मनी का प्लेयर, और ये बॉल को अपनी तरफ ले आए। और जर्मनी टीम की बात करें तो दोस्तों स्टेडियम में बैठे लोग जर्मनी टीम को बॉयलर बोल रहे हैं, जिस तरह से बॉयलर मुर्गी होती है, और हमारी इंडिया टीम देसी मुर्गी। और मेरे आगे बैठे लोग मुझे देख रहे हैं दोस्तों, ये पागल क्या कर रहा है। और काफी रोमांचक भरा मैच, अच्छी कोशिश, निक्की कुमारी देख सकते हैं किस तरह से निक्की कुमारी जर्मनी के, ओ वेनेजुएला वेंजल से खींचने की बॉल खींचने की कोशिश की गई बट नाकाम रहा है इंडिया टीम, निक्की नहीं खींच पाई उनसे बॉल, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम बेटर लक। और ये छक्का देखिए, छक्का मार दी, ओह माय गॉड कैच आउट। और इन लोगों को जगह नहीं मिला दोस्तों, वापस जा रहे हैं। और ये नेट में बॉल जाते 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 जाते, ओ माय गॉड ये नहीं जा पाया, डिफेंस अच्छा था इस वजह से गोल नहीं हो पाया। अब फिर से कोशिश की जाएगी, नाइन मिनट और 35 सेकंड्स बचा हुआ है दोस्तों, काफी ज्यादा रोमांचक मैच चल रहा है दोस्तों, अभी दोनों बराबरी पे है, किसी ने भी एक भी गोल अभी तक नहीं किया है। और मेरी बाईं तरफ जो देख रहे हैं दोस्तों वो गोल इंडिया का है, और दाहिनी तरफ जर्मनी का है दोस्तों, और इंडिया टीम काफी अच्छा डिफेंस करते हुए, और आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा पास निक्की कुमारी के द्वारा, और लोगों ने काफी ये बॉल जाते जाते, और ये कोशिश लगी हुई है अभी भी,
जा रही है। ओह माय गॉड, फिर से नाकाम हो गया ये कोशिश। एक गोल हो चुका है और जर्मनी ने एक गोल कर दिया दोस्तों, बट यहाँ पे उत्साह कोई नहीं देख है, सकते जर्मनी के लोग ही उत्साह में लोग है। काफी निराश है, स्टेडियम के लोग काफी निराश हो चुके हैं, कोई भी खड़ा नहीं हुआ इस बार। और हम हुए भाई, हम खड़े हुए हैं, बता दो किस तरह से जर्मनी ने दोस्तों एक गोल मार लिया जर्मनी। ये छुपे ये आया ने सर के बिना पेंदी का लोटा है। तीन मिनट चार सेकंड में जर्मनी ने एक गोल कर दिया था दोस्तों, और अब दोनों टीम बराबर में चल रही है, इंडिया और जर्मनी एक एक गोल। दोनों टीम बराबर में चल रही है दोस्तों, एक एक गोल दोनों का हो चुका है और मात्र 2 मिनट बचा है सेकंड क्वार्टर के लिए। और अब इंडिया खासा दबाव में दिखाई दे रही है क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है, और किसी भी हाल में इंडिया को जर्मनी से एक गोल ज्यादा करना है तभी इंडिया टीम जीत पाएगी, नहीं तो ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी बहुत सारा वक्त बचा हुआ है, इसलिए गोल हो सकता है और कोई भी जीत सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा माहौल बना हुआ है। 1 मिनट 55 सेकंड और आप देख सकते हैं दोनों टीम संघर्ष कर रही है गोल के लिए। और मात्र 4 सेकंड बचा है दोस्तों, ये भी राउंड खत्म होने वाला है, आप देख सकते हैं। और ये राउंड खत्म हो चुका है दोस्तों, और अब होगा थर्ड राउंड, और थर्ड राउंड में आप लोगों से मिलते हैं। मैं एक बार बता दूं, जर्मनी ने एक गोल और इंडिया ने भी एक गोल कर दिया है, दोनों टीम बराबरी पे चल रही है दोस्तों। और अभी 10 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट किया जाएगा, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। 10 मिनट का रेस्ट मिला है दोस्तों अभी हम लोगों को, और काफी दूर दूर से लोग आए हैं, आइए जानते हैं। ये देख सकते हैं कहाँ से आए हैं आप? हम बरियातू से आए हैं। देख सकते हैं बरियातू से आई हैं, बहुत ही ठंड है फिर भी बरियातू से आई हैं हॉकी मैच देखने। और कौन कौन है साथ में आपके? मेरी बहन लोग हैं, भैया लोग हैं। बहन लोग हैं और भैया लोग हैं। हाँ। तो इसी तरह से कई लोग आए हैं दोस्तों, इसी तरह से कई लोग आए हैं मैच देखने के लिए। मेरे बगल में भी लोग बैठे हुए आप देख सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। और कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। हाँ। चलिए, और अभी 10 मिनट का रेस्ट है, 7 मिनट हो चुका है दोस्तों, अभी कुछ थोड़े बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं लोगों को उत्साहित करने के लिए। आप देख सकते हैं वो भाई ताली बजाने के लिए बोल रहे हैं हम लोगों को। देख सकते हैं दोस्तों वो बोल रहे हैं डुस्का बर्रा खाएगा, रांची शोर मचाएगा, और लोगों को कुछ भी मजा नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत से को चाइनीज भी पसंद है, डुस्का बर्रा सब नहीं खाते हैं, है कि नहीं? अरे दे तो पहले। एओ के आगे बोलो भाई कुछ। और देख सकते हैं लोग किस तरह से खड़े हैं, और हल्की हल्की बारिश हो रही है फिर भी लोग जा नहीं रहे दोस्तों। और ये सभी देशों का झंडा है दोस्तों, आप देख रहे हैं जो हमारे मेरे सामने ये झंडे जो है सभी देशों के झंडे हैं। और ये अयान निसार के जिस तरह से कोरोना को भगाया गया था वैसे ही फिर से यहाँ पे कोहरा को भगाया जा रहा है फ्लैश ऑन करके। देख सकते हैं सभी लोगों ने अपने अपने मोबाइल के फ्लैश ऑन कर दिए हैं, और ये गाना बजाया जा रहा है, लोगों का उत्साह किया जा रहा है दोस्तों, उत्साह को बढ़ाया जा रहा है, आप देख सक रहे हैं। ये भाई हमारे बहुत खुश लग रहे हैं, इधर इधर देखो भाई,
देखिए माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम गाना बजाया जा रहा है। लोगों में काफी उत्साह है दोस्तों, लोग काफी उत्साहित है, और क्यों ना हो दोस्तों, ये इंडिया और इंडिया का मैच है। और आरजे भाई साहब भी बहुत उत्साहित है, दौड़ के उस तरफ जा रहे हैं, फिर इस तरफ जा रहे हैं। और मात्र 3 मिनट बचा है दोस्तों, फिर से मैच स्टार्ट होने वाला है, और अगर थर्ड राउंड होगा 15 मिनट का। और फिर से मैं बता दूं, इंडिया ने एक गोल किया है और जर्मनी ने भी एक गोल किया है, और ये भाई बहुत ही उत्साहित लग रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से नाच रहे हैं। ये भाई से मैं अभी बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं, क्या बात है? बस अपना टीम, अपना टीम, अपना चेयर कर रहे, सिर्फ खुश है। अभी तो ड्रॉ हुआ है, अभी स्कोर मिला हुआ है दोनों, बस हौसला बुलंद है। पिछला मैच भी इंडिया ही जीते, इसीलिए हौसला बुलंद है, मजबूत भी है, हम लोग का टीम मजबूत भी है। कहाँ से है? बस रांची के लोकल है, हम लोग रांची के है भाई, हम लोग सब रांची के हैं, कहाँ समझे? रांची में कहाँ से? कोकर, कोकर, कोकर से आया भाई साहब। बारिश हो रहा है, घर जाने का मन नहीं कर रहा, बीमार हो जाएगा तो? ये तो कुछ नहीं है भाई, मतलब बहुत अगर जोर से बारिश आ गया तब यही रहेगा, जरूर ठीक जाइएगा तो? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम आप? भास्कर, भास्कर मंगरू, इनका भी नाम मंगरू है। और भी भाई है दोस्तों जो काफी ज्यादा उत्साहित लग रहे हैं, और यहाँ पे है मेरे साथ एक झंडा वाले भैया, जब अपना मुंह छुपाए हुए हैं, मुंह दिखाइए, बहुत ज्यादा उत्साहित है दोस्तों ये, देख सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम बिक्की। इनका नाम बिक्की है, कहाँ से है? हुंडरू फॉल से। ये हुंडरू फॉल से आए हैं दोस्तों, तो कैसे घुसे? घुसने तो दे नहीं रहा है अंदर। घुसने बहुत अच्छा से घुसने दिया, आराम से। कितने बजे से आए हुए? हम 5 बजे से। ये 5 बजे से आए हुए तभी इनको घुसने दिया गया दोस्तों, हम लोग तो थोड़ा सा लेट में आए इसलिए हम लोगों ने घुसने दिया। और क्या लगता है कौन जीतेगा? इंडिया, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और मात्र दोस्तों 20 सेकंड में फिर से मैच शुरू होने जा रहा है दोस्तों, और काफी ज्यादा लोगों में उत्साहित है कि कौन जीतेगा, लेकिन इंडिया के लोगों को पता है कि कौन जीतेगा, सबको पता है दोस्तों इंडिया ही जीतने वाला है। और इस बार दोस्तों मेरी दाईं तरफ टीम इंडिया का गोलकी है, और बाईं तरफ दोस्तों लाल वाला जर्मनी का है, और मैच स्टार्ट हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं 1 2 3। और ये दोस्तों देख सकते हैं इंडिया का बहुत ही अच्छा प्रयास, और गोल नहीं हो पाया, कोशिश अच्छी थी टीम इंडिया की। कुहासा बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों, और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, और थर्ड राउंड चल रहा है, और 13 मिनट हो चुका है, दोनों टीम में से कोई भी ने गोल नहीं किया, और ये देख सकते हैं। और ये फिर से टीम इंडिया ने अटैक किया जर्मनी के खिलाफ, और ये देख सकते हैं इसिका के पास बॉल, और ये निक्की कुमारी, और फिर से इसिका, और ये बॉल जर्मनी के खिलाड़ी के पास चला गया दोस्तों। लोग अभी भी स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि मैच काफी रोमांचक होता जा रहा है दोस्तों, और स्टेडियम के एक साइड से इंडिया 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 की आवाजें आ रही है, और रेफरी के द्वारा खिलाड़ियों को तितर बितर किया गया, और अभी टीम जर्मनी के पास बॉल है, और आप देख सकते हैं काफी मेलजोल के साथ ये गेम को खेला जा रहा है दोस्तों। और जर्मनी अटैक करने की कोशिश कर रही है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा पास कर रही है,
तीसरे राउंड में आते आते दोस्तों इंडिया और जर्मनी का जो टीम है दोनों मुझे लगता है थोड़ा सा टायर्ड हो चुका है, थक चुका है, और यहाँ के जो लोग जो है दोस्तों ऑडियंस वो लोग भी काफी ज्यादा थके हुए हैं। मुझे लगता है दोस्तों चौथा राउंड तक आते आते ये लोग एनर्जी से भर जाएंगे, क्योंकि उस समय काफी ज्यादा उत्साह रहेगा और काफी ज्यादा सस्पेंस भी रहेगा दोस्तों कि कौन जीतने वाला है और किसके हाथ लगेगी ट्रॉफी। और ये इंडिया का काफी अच्छा प्रदर्शन, एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से बॉल पास करते हुए और ये गोल की तरफ जाते हुए इंडिया, बट जर्मनी का प्लेयर उसे डिफेंस कर दिया दोस्तों। कोहरा काफी ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों और ठंड भी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हिलने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और इस बारिश की वजह से हमारे जो टोपी और जो स्वेटर है दोस्तों वो भीग रहे हैं। मुझे लगता है कल अपना चेहरा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और ये फिर से उत्साह में दोनों टीम, और ये गेम बॉल चल गया चार, और ये फिर से एक बार गोल के तरफ, और ओ माय गॉड, जर्मनी की अच्छी कोशिश थी दोस्तों पर गोल नहीं हो पाया, काफी अच्छा कोशिश किया, कोशिश नाकाम, कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और बॉल अभी ज्योति के पास, और ज्योति ने बॉल को उछाल दिया दोस्तों, उछाल दिया, और ये जर्मनी वालों ने उसे रोक दिया दोस्तों बीच में ही, और अभी भी हाँ ये जो बॉल है ये इंडिया के हाथों में आ चुका है, और ये फिर से एक बार उछाल दिया गया बॉल को दोस्तों, और मुझे लगता है बॉल स्टेडियम के पार। खेलना खेलना बगल में, और ये बॉल कभी इधर तो कभी उधर होते हुए, और फिर से एक बार और जर्मनी काफी बॉल को रोक लिया, कोशिश के बाद भी गोल नहीं कर पा रही है दोस्तों टीम इंडिया का। अच्छा डिफेंस की तरफ ले जाते हुए देख सकते हैं किस तरह से टीम इंडिया जर्मनी के गोल की तरफ चली गई थी। और ये देख सकते हैं, और ये गोल हो गया दोस्तों, अब ये गोल हुआ है कि क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गोल नहीं हुआ है। कुहासे की वजह से दिखाई नहीं दे पा रहा है दोस्तों, ठंड की वजह से। ओ, बहुत ही अच्छा, और ये लोगों में उत्साह इंडिया के द्वारा खेला जा रहा है दोस्तों, जा रही है गोल, लोग उत्साहित हो जा रहे हैं, फिर से नोकी, फिर से कोशिश नाकाम, और थर्ड राउंड का मात्र 5 मिनट बचा है दोस्तों आप देख सकते हैं, और किसी ने एक भी गोल नहीं किया, दोनों टीम बराबरी पे चल रही है। और ये देख सकते हैं काफी संघर्ष कर रही है दोनों टीम, और शायद जर्मनी का अच्छा प्रयास, और ये देख सकते हैं जर्मनी अटैक कर रही है दोस्तों, और इंडिया टीम डिफेंस कर रही है, बहुत ही अच्छा डिफेंस, और ये टीम इंडिया के द्वारा कोशिश गोल से निकालने की, और फिर से ये बॉल जर्मनी के हाथ में, और फिर से एक बार कोशिश की जा रही है जर्मनी के द्वारा गोल करने की, बट इंडिया वाले ने रोक दिया फिर से।
बहुत ही अच्छा डिफेंस टीम इंडिया का दोस्तों, पर जर्मनी रुक नहीं रही, अटैक पे अटैक कर रही है और फिर से जर्मनी अटैक के मूड पे, और आप देख सकते हैं फिर से गोल बचा ली हमारी कप्तान सविता ने, गोल को बचा लिया दोस्तों। बहुत ही अच्छा डिफेंस इंडिया के द्वारा, टीम जर्मनी को खदेड़ के मैदान के बीचों बीच ले आया दोस्तों, देखा जाए। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा गोल की ने डिफेंस कराया। और इस बार मौका टीम इंडिया के पास, और टीम इंडिया अटैक के मूड में, और जर्मनी का काफी अच्छा डिफेंस रहा। फोरी की वजह से उस तरफ दोस्तों कैमरा धुंधला हो जाता है, कैमरे पे ब्लर आ जाता है, काफी ज्यादा कोहरा है क्योंकि, और ठंड की वजह से लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग शांत बैठे हुए हैं, कुछ अच्छा पास जर्मनी के टीम के द्वारा, काफी समझदारी के साथ खेल रही है जर्मनी की टीम। और फिर से जर्मनी ने अटैक करने की कोशिश कर रही है, आप देख सकते हैं, पर इंडिया टीम भी कुछ कम नहीं, इंडिया का अच्छा खासा डिफेंस, और जर्मनी जीत पे अड़ी है। और ये देख सकते हैं टीम जर्मनी, और ये जर्मनी नाकाम रही गोल करने से दोस्तों। मात्र 2 मिनट बचा हुआ दोस्तों, और ये थर्ड राउंड है, इसमें देखते हैं 2 मिनट के अंदर गोल हो पाता है या नहीं। जर्मन थोड़ा सा भारी पड़ रहा है दोस्तों इंडिया टीम में, क्योंकि टीम काफी एकजुट होकर खेल रही है, और बॉल अभी गोल के ही तरफ है दोस्तों, जो कि जर्मन के ओर है, और ये जर्मन की टीम एक दूसरे को बॉल पास करते हुए, और टीम इंडिया के प्लेयर बॉल को अपने ओर लाने की कोशिश करते हुए, और ये जर्मन वाले जर्मन के गोल में गोल करने जा रहे हैं दोस्तों। और मुझे लगता है ओ माय गॉड गोल होते होते बच गया दोस्तों। फिर से एक बार काफी अच्छी कोशिश से इंडिया के टीम ने गोल होते हुए बचा लिया, और मात्र 1 मिनट बचा हुआ है दोस्तों। अब देखते हैं कि ये गोल कौन करता है, और ये टीम इंडिया, और ये रेफरी का इशारा, और एक बार फिर दोस्तों बॉल इंडिया टीम के गोल की तरफ ले जाते हुए, फिर से रेफरी का इशारा सारे लोगों को पीछे करने की इशारा कर दिया गया है। और ये फिर से एक बार डिफेंस करते हुए दोस्तों, और इंडिया वाले फिर से एक बार गोल ना होते होते फिर से बचा दिए गए दोस्तों। काफी अच्छी कोशिश की गई और गोल नहीं हो पाया, काफी बार जर्मन के टीम ने गोल करने की कोशिश की, काफी बार उनको मौका मिला बट वो नहीं कर पाए, और वक्त पूरा हो गया दोस्तों, और टाइम आउट हो चुका है दोस्तों। अब होगा चौथा राउंड, और आप देख सकते हैं फिर से 2 मिनट का मात्र रेस्ट मिला है दोस्तों। सारे टीम मेंबर ग्राउंड पे है, और मैच फिर से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और काफी उत्साहित, दोनों टीमों में काफी उत्साह है दोस्तों, और काफी अटैक करके दोनों टीम खेल रही है, क्योंकि मात्र 15 मिनट का गेम बचा है, और दोनों टीम को एक एक गोल चाहिए जीतने के लिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोनों टीम काफी अटैक करके खेल रही है, और मैं फिर से एक बार बता दूं दोस्तों, दोनों टीम ने एक एक गोल किया है, टीम इंडिया एक गोल और जर्मनी ने एक गोल किया है दोस्तों। और कोहरा बढ़ते ही जा रहा है, और ठंड भी बढ़ते जा रही है, पर लोग यहाँ पे बैठे हैं, और टीम इंडिया अपने डिफेंस में देख सकते हैं, एक टीम इंडिया की एक खिलाड़ी घायल हो चुकी है दोस्तों, रेफरी का इशारा,
और चोट शायद लग गया है टीम इंडिया की एक टीम को, टीम मेंबर को, और नहीं पता वो कौन है दोस्तों। आप देख सकते हैं वो लेटी हुई है, लोगों का कहना है कि नाक में उसे चोट लगा है। दोस्तों गेम को अभी रोक दिया गया है, 13:52 हो चुका है दोस्तों, और फिर से मैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। लोग काफी हंसी मजाक करते हुए, काफी उत्साह में है लोग, टीम इंडिया का उत्साह भी बढ़ा रहे हैं। और जर्मनी फिर से अटैक के मूड में दोस्तों, पर इंडिया का अच्छा खासा डिफेंस, और आप देख सकते हैं फिर से एक बार सविता संगीता, बहुत ही अच्छा डिफेंस। और ये टीम जर्मनी आपसी में मेलजोल के साथ आगे बढ़ती जा रही है, और 12 मिनट बचा है दोस्तों दोनों टीम के पास। और काफी कॉमेडी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे आयन एसआर के, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठ के लोग हंस रहे हैं उसकी बातों को सुन के। और फिर से जर्मनी का अटैक टीम इंडिया के खिलाफ, और शायद जर्मनी को पीछे हटना पड़ा किसी वजह से दोस्तों। और फिर से जर्मनी ने बहुत ही रोमांचक मैच हो रहा है दोस्तों, ये टीम इंडिया और जर्मनी के खिलाफ, दोनों ही टीम मजबूती से खेल रही है और अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। और टीम इंडिया का अटैक जर्मनी के खिलाफ आप देख सकते हो दोस्तों, और जर्मनी ने गोल को बचा लिया दोस्तों, बहुत ही अच्छा डिफेंस जर्मनी के टीम के द्वारा। बात मानना पड़ेगा दोस्तों, टीम जर्मनी भी कुछ कम नहीं है, और टीम इंडिया का ही कहना दोस्तों, दोनों ही टीम काफी मजबूत है दोस्तों, और दोनों टीम संघर्ष में लगी हुई है कि एक गोल पा ले और या मैच जीत ले और फाइनल में शामिल हो जाए दोस्तों। मात्र 10 मिनट बचा हुआ है दोस्तों, और खेल काफी रोमांचक हो रहा है क्योंकि दोनों ही टीम पे प्रेशर बढ़ रहा है, और दोनों ही टीम एक गोल करना चाहती है। और ये चौथा राउंड है दोस्तों, मैं याद दिला दूं आपको, चौथा राउंड चल रहा है और मात्र 10 मिनट बचा है, और अभी तक दोनों टीम एक एक गोल कर पाई है, दोनों बराबरी में है दोस्तों। और ये जो लास्ट राउंड है ये इसी में फैसला होगा कि कौन कर पाता है ज्यादा एक और गोल, तो ये जो एक और गोल कर पाएगा वही सेमीफाइनल से फाइनल में जा पाएगा दोस्तों। और काफी साझेदारी के साथ जर्मनी की टीम आगे बढ़ती हुई और फिर से एक अटैक लेना चाह रही है इंडिया के खिलाफ, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा डिफेंस संगीता के द्वारा। रेफरी ने कुछ कहा है शायद, क्या बात है अभी मैं बताता हूं दोस्तों, मैच को रोक दिया गया है और रेफरी कुछ कह रही है, ये देख सकते हैं आप, रिप्ले देखा जा रहा है ताकि पेनल्टी कॉर्नर को पता किया जा सके कि किस टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा। दोनों ही टीम काफी चिंता में, जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर चाहिए और इंडिया को पेनल्टी कॉर्नर से बचना है दोस्तों, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है, मात्र 10 मिनट बचा है और चौथा राउंड है। अगर एक गोल किसी ने नहीं मारा तो ये मैच शायद ड्रॉ भी हो सकता है, और एक गोल किसी ने मार दिया तो ये मैच वो लोग जीत भी सकते हैं। और पेनल्टी कॉर्नर ये यहाँ देख सकते हैं जर्मनी को मिलते हुए दोस्तों, तो बहुत ही निराशापूर्ण बात है ये, और लोग काफी उदास हो चुके हैं,
क्योंकि अगर जर्मनी ने गोल कर दिया तो ये मैच जर्मनी जीत भी सकती है दोस्तों, क्योंकि मात्र 10 मिनट बचा है। और अभी हम दुआ करेंगे कि जर्मनी ये मैच गोल ना कर सके। क्यों आयन सर के कुछ बोलना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, और जिस हिसाब से मैच चल रहा है मुझे लगता है कि इंडिया एक गोल मार ही देगी। और आप देख सकते हैं पेनल्टी कॉर्नर इंडिया डिफेंस में, और ये इंडिया ने बचा लिया दोस्तों। बहुत ही अच्छा डिफेंस इंडिया का दोस्तों, बहुत ही अच्छा डिफेंस। काफी बार ऐसे ही अच्छा मौका मिल रहा है दोस्तों जर्मनी को, लेकिन वो कुछ नहीं उखाड़ पा रही है। इतना मौका अगर इंडिया टीम को मिलता तो मुझे बहुत ही अच्छा डिफेंस है। इंडिया अटैक करने के मूड में है और टीम इंडिया का अटैक दोस्तों देख सकते हैं, टीम इंडिया ने बहुत ही सुंदर अटैक किया है। मत ज्यादा जूम कर, आप देख सकते हैं टीम इंडिया ने अटैक किया है दोस्तों। कुहासा के कारण दिखाई नहीं दे रहा है, पर जो आंखें देख सकती वो कैमरा नहीं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, काफी अच्छा डिफेंस किया जा रहा है। और फिर से एक बार हार्ड वर्क करते हुए रेफरी का एक और इशारा, और अब बॉल दिया जा रहा है जर्मनी टीम को दिया गया है बॉल, और जर्मनी टीम फिर से एक बार अटेम्प्ट लेने वाली है गोल के तरफ। और मैं बात बता दूं दोस्तों, सिर्फ 8 मिनट बचा हुआ है दोनों टीमों के पास, और एक गोल मारना है तभी जीत मिल पाएगी। क्या लगता है आने सार के कौन जीतेगा? मुझे तो 50-50 लगता है, या तो एक गोल इंडिया मार देगी या तो ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ तो नहीं हो पाएगा, ड्रॉ होगा तो फिर फाइनल में कौन जाएगा? कुछ तो इसका उपाय निकालना होगा। 7 मिनट हो चुका है, हो सकता है ड्रॉ हो जाने के बाद फिर चांस दिया जाए, सारे प्लेयर बैठ जाए और एक प्लेयर को चांस दिया जाए। सही सही, कि कौन गोल मार पाता है। और जो भी हमारा ये मैच वाला वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, पूरा देखिएगा तभी आपको ये वीडियो और मैच समझ में आएगा, और इसके बाद हम फाइनल में भी आपको मैच दिखाएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और आज काफी रोमांचक हो रहा है दोस्तों, मैच को छोड़ के बिल्कुल ना जाए, बहुत ही रोमांचक मैच है। आप देख सकते हैं टीम इंडिया का डिफेंस, और फिर अब जर्मनी का डिफेंस, और जर्मनी अटैक करने के मूड पे देख सकते हैं, जर्मनी इंडिया के गोल पे आ चुकी है दोस्तों। और ये काफी तनावपूर्ण मैच हो रहा है दोस्तों, क्योंकि दोनों बराबरी पे चल रहे हैं और वक्त भी काफी कम बचा हुआ है दोस्तों, मात्र 5 मिनट बचा हुआ है, और इस 5 मिनट के अंदर दोनों टीम को किसी को भी दोस्तों एक गोल तो बनाना ही पड़ेगा तभी फैसला हो पाएगा। और ये फिर से एक बार गोल मिस जर्मनी की तरफ से, और काफी अच्छा अटैक जर्मनी के द्वारा, लेकिन इंडिया भी कुछ कम नहीं डिफेंस के मामले में दोस्तों। इंडिया ना गोल होने दे रही है और जर्मनी भी गोल करने नहीं पा रही है। और ये आप देख सकते हैं उदिता के पास बॉल, और ये उदिता ने दिया संगीता को, पर जर्मनी की टीम ने बॉल को छीन लिया। और आप देख सकते हैं इशिका काफी संघर्ष करते हुए, आराम से हर बनाना ने, और ये देख सकते हैं संगीता बॉल पास करके, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया प्रयास, बहुत ही बढ़िया प्रयास। ओहो, और कोहरे की वजह से दोस्तों सारा स्टेडियम धुआं धुआं हो चुका है, आप देख सकते हैं। दोनों टीमों की तरफ से काफी ज्यादा मजबूती कोशिश की जा रही है, और जर्मनी लगातार, और ये गोल को बचा लिया इंडिया ने, और जर्मनी लगातार अटैक कर रही है दोस्तों, और इंडिया लगातार डिफेंस कर रही है। और आपको मैं बता दूं सिर्फ 3 मिनट बचा है दोस्तों इस फोर्थ राउंड में,
और किसी ने भी एक गोल नहीं किया है। दोनों ही टीम बराबर पे चल रही है दोस्तों। और ये देखिए, और ये दोस्तों जर्मनी ने एक गोल कर लिया दोस्तों। बहुत ही निराशाजनक बात, जर्मनी ने एक गोल कर लिया दोस्तों। ओह माय गॉड, स्टेडियम निराश हो गया है दोस्तों। मैं गोल दिखाता हूँ दोस्तों, पूरा स्टेडियम निराश होकर बैठा हुआ है क्योंकि जर्मनी ने एक गोल ज्यादा कर दिया इंडिया से। देख सकते हैं लोग काफी चिंता में और निराश और उदास हो चुके हैं, क्योंकि अगर इंडिया ने एक गोल नहीं किया दोस्तों तो जर्मनी ये मैच जीत जाएगी। और देखते हैं दोस्तों क्या होता है मैच के आगे। और अभी रेस्ट टाइम हुआ है स्टार्ट दोस्तों। इंडिया टीम के ऊपर काफी दबाव और प्रेशर हो चुका है क्योंकि टीम इंडिया एक गोल पीछे चल रही है जर्मनी से। तो अयान एसआर के आप दुआ में लग जाइए कि टीम इंडिया एक गोल कर दे। उम्मीद तो है कि एक गोल हो जाए, काफी अच्छा हो जाएगा। और ये गोल कर दे गोल कर दे इंडिया दोस्तों। और पब्लिक खड़े हो जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पब्लिक भी चिंता में हुए जर्मनी के टीम, क्योंकि लोग किसी भी यहाँ स्टेडियम में कोई भी नहीं चाहेगा दोस्तों कि इंडिया हार जाए दोस्तों। लोग काफी चिंता हो जा रहे हैं, लोग खड़े हो जा रहे हैं स्टेडियम में दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाता हूँ मैं। और टीम इंडिया का काफी अच्छा अटैक, पर जर्मनी भी कुछ कम नहीं। और रेफरी के इशारे के बाद सारे टीम मेंबर पीछे आ रहे हैं। किसी भी वजह से टीम इंडिया को एक गोल करना ही होगा दोस्तों। मात्र 2 मिनट बचा है दोस्तों, टीम इंडिया काफी प्रेशर पे है। और क्यों ना हो, क्योंकि वो एक गोल पीछे चल रही है टीम जर्मनी से दोस्तों। और अगर ये मैच टीम इंडिया हार जाती है तो वो फाइनल से बाहर हो जाएगी दोस्तों, जो कि पूरे रांचीवासी और भारतवासी को निराशाजनक बात रहेगा दोस्तों। ओहो, टीम इंडिया काफी कोशिश कर रही है गोल करने का। लोग खड़े हो जा रहे स्टेडियम में। शायद दोस्तों टीम इंडिया को पेनल्टी कॉर्नर मिलने वाला है। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा होगा, और इंडिया एक गोल अगर मार देगा तो दोस्तों दोनों टीम बराबर पे आ जाएगी। लोग काफी चिंता में और लोग स्टेडियम पे खड़े हो जा रहे हैं दोस्तों। रिप्ले देखा जा रहा है पेनल्टी कॉर्नर है कि नहीं है। अगर पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो चांस हो सकता है कि इंडिया एक गोल कर सके। मैं दुआ करूंगा कि पेनल्टी कॉर्नर मिले इंडिया को। और पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है दोस्तों इंडिया को। पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है दोस्तों, बस इंडिया एक गोल कर दे। बस यही दुआ है दोस्तों, इंडिया एक गोल कर दे। और ये दोस्तों पेनल्टी कॉर्नर मिलने के बावजूद भी इंडिया ने गोल नहीं कर पाया, क्योंकि जर्मनी ने बचा लिया दोस्तों। और फिर से एक पेनल्टी कॉर्नर शायद इंडिया को मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कोहरी की वजह से शायद दिखाई ना दे दोस्तों, पर और ये पेनल्टी कॉर्नर। और ये दोस्तों इंडिया ने एक गोल कर दिया दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों, इंडिया ने गोल कर दिया। आप देख सकते हो लोग किस तरह से नाच रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों किस तरह से लोग नाच रहे हैं दोस्तों। किस तरह से लोगों में उत्साह है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों किस तरह से लोग खुश है दोस्तों। आप ही ज्यादा खुश लग रहे हैं दोस्तों, वो गोल है बराबरी पे है और अब तो हारने का चांस ही नहीं दोस्तों, ड्रॉ हो जाएगा। देख रहे खुशी, देखिए। थाम्बा इंडिया जीत गया भाई, अभी जीता नहीं है, बराबर पे चल रहा है, बराबर चल गया है। बहुत ही खुशी लगा, इसी को दोस्तों बहुत इंतजार रहा। चार दिन खाना नहीं खाएगा तू, चार दिन खाना नहीं खाइए। मात्र 55 सेकंड बचा है दोस्तों, दोनों टीम दो दो गोल पे है जर्मनी और इंडिया। मात्र 49 सेकंड बचा है दोस्तों, और दोनों टीम काफी संघर्ष पे है। और ये देख सकते हैं बहुत ही रोमांचक मैच हो रहा है दोस्तों। इतना रोमांचक मैच मैंने आज तक नहीं देखा है दोस्तों। और इंडिया का फिर से अटैक दोस्तों, ये देख सकते हैं संगीता के द्वारा रेफरी का इशारा। ऐसे ही वक्त बर्बाद कर दिया जाएगा। 24 मिनट बचा है दोस्तों, 24 सेकंड
मात्र 24 सेकंड बचा है दोस्तों। ऐसे वक्त अगर बर्बाद करते रहा है दिया जाएगा दोस्तों तो इंडिया और जर्मनी दोनों ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों। टाइम अप हो गया है दोस्तों और दोनों टीम बराबर पे चल रही है दो दो गोल पे। अब देखते हैं क्या होता है। और कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों गेम स्टार्ट होने के बाद। और दोनों टीम मैदान पे उतर गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और क्या हो रहा है हमें भी पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम हॉकी मैच ज्यादा नहीं देखते इसलिए हमें उतना नॉलेज नहीं है। और अभी दोनों टीम को मौका मिलेगा दोस्तों गोल करने का। आप देख सकते हैं मैदान पे दोनों टीम पहुंच चुकी है। लोगों में काफी उत्साह है दोस्तों, क्योंकि लोग चिंता में है। दोनों टीम बराबर गोल किया है, दो दो गोल किया है दोस्तों। और दो दो गोल करने के बाद ये मैच ड्रॉ हो चुका था। और अभी जर्मनी को मौका मिला है दोस्तों गोल करने का और उसने गोल नहीं कर पाया दोस्तों। इंडिया ने अच्छा डिफेंस किया और जर्मनी ने गोल नहीं कर पाया। और अब दोस्तों टीम इंडिया को एक मौका मिला है गोल करने का, आप देख सकते हैं। जर्मनी की गोलकी ने अपना पोजीशन ले लिया और संगीता गोल कर रही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और मुझे लगता है संगीता गोल कर पाएगी। और ये संगीता ने गोल कर दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं लोगों में काफी उत्साह है दोस्तों। लोग काफी खुश हो गए हैं क्योंकि संगीता ने एक गोल कर दिया दोस्तों। जर्मनी 2 और इंडिया 3 पे पहुंच गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग खुश है। हाथी लाइए। और फिर से जर्मनी गोल करने के लिए तैयार और इंडिया अपने डिफेंस में खड़ी है दोस्तों। और देखते हैं क्या होता है दोस्तों। और जर्मनी ने भी एक गोल कर दिया दोस्तों। लोग काफी निराश है जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई चिल्ला भी नहीं रहा दोस्तों। दोनों टीम बराबरी पे चल रही है दोस्तों। और फिर से दोबारा टीम इंडिया गोल करने के लिए तैयार। और सलीमा गोल करने के लिए रेडी है और मुझे लगता है इस बार भी सलीमा गोल कर ही देगी दोस्तों। और सलीमा ने गोल कर दिया दोस्तों। शायद हाँ, सलीमा ने गोल कर दिया दोस्तों। सलीमा ने गोल कर दिया। इंडिया 2 जर्मनी 1। रिप्ले देखा जा रहा है एम्पायर के द्वारा। रिप्ले देखा जा रहा है दोस्तों इस गोल जो किया है टीम इंडिया ने, सलीमा ने जो गोल किया है दोस्तों उसका रिप्ले देखा जा रहा है। बहुत ही बारीक नजर से देख रहे हैं। और धोनी भी आया हुआ है दोस्तों, एमएस धोनी भी आए हुए हैं। स्क्रीन पे दिखाया गया है एमएस धोनी को दोस्तों। और देखिए टाइम आउट होने वाला है, गोल हुआ कि नहीं हुआ ये दिखाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा गोल किया दोस्तों, बहुत ही अच्छा गोल। और ये गोल देख सकते हैं दोस्तों। और एमएस धोनी भी काफी उत्साहित है दोस्तों। और अभी हमें पता चला कि एमएस धोनी भी आए हैं, स्क्रीन में उनका बार बार दिखाया जा रहा है। और जर्मनी गोल मारने के लिए रेडी और इंडिया डिफेंस के लिए तैयार। और इंडिया ने गोल बचा लिया दोस्तों, इंडिया ने गोल बचा लिया दोस्तों। देख सकते हैं लोगों में काफी उत्साह दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये लोग काफी उत्साहित हो रहे हैं दोस्तों। और कोहरा बढ़ता ही जा रहा है और मैच रोमांचक होता ही जा रहा है दोस्तों। इंडिया 2 पर, जर्मनी 1 पर दोस्तों। इंडिया जीत जाएगी और फाइनल पे पहुंचेगी इंशाल्लाह। इंडिया गोल मारने के लिए तैयार। ओ नो, कोहरा इतना ज्यादा है दोस्तों कि नजर नहीं आ रहा है। और फिर भी हम लोग आपको पूरी जानकारी देंगे, बने रहिएगा। और
फिर से चांस दिया जा रहा है दोस्तों, फिर से चांस दिया जा रहा है संगीता को, क्योंकि शायद कुछ मिस्टेक के कारण रेफरी ने उसे फिर से चांस दिया है दोस्तों, और कोहरा की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। ओ नो, जर्मनी की गोलकी ने गोल बचा लिया दोस्तों, लेकिन फिर भी इंडिया एक गोल आगे चल रही है। उम्मीद है कि इंडिया ये मैच जीत जाएगी दोस्तों। अगर जर्मनी की टीम एक भी गोल नहीं करती है तो इंडिया टीम मैच जीत जाएगी और फाइनल पे पहुंच जाएगी दोस्तों। और जर्मनी ने भी फिर से एक गोल कर दिया दोस्तों, और दोनों टीम फिर से बराबरी पे चली गई। गेम काफी रोमांचक होते जा रहा है दोस्तों, मैच काफी रोमांचक होते जा रहा है दोस्तों। दोनों टीमें बराबरी पे पहुंच जा रही है क्योंकि दोनों टीम ही मजबूत है, और इंडिया फिर से गोल करने के लिए तैयार आप देख सकते हैं। और जर्मनी ने गोल बचा लिया दोस्तों, बहुत ही अच्छा डिफेंस जर्मनी के द्वारा। लोग काफी निराश, और जर्मनी फिर से जा रही है गोल करने के लिए। किसी भी हालत पे हमारी कप्तान सविता को ये गोल को बचाना होगा दोस्तों, किसी भी हालत पे ये गोल ना होने देना होगा, तभी इंडिया ये मैच जीत पाएगी दोस्तों। और लोग काफी गौर से देख रहे हैं इस मैच को, दिल की धड़कन तेज हो रही है लोगों की, सब नजर टिकाए हुए हैं मैदान पे कि किसका हो पाएगा। और बहुत ही आसानी के साथ जर्मनी ने गोल कर दिया दोस्तों, फिर से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ जर्मनी ने ये गोल कर दिया दोस्तों, और एक गोल जर्मनी आगे हो चुकी है। और फिर से टीम इंडिया गोल करने के लिए तैयार है दोस्तों, और टीम इंडिया ने गोल कर दिया दोस्तों, फिर से इंडिया ने एक और गोल बना लिया। बहुत ही रोमांचक मैच, जर्मनी और इंडिया बराबर हो चुका है दोस्तों, बहुत ही रोमांचक मैच हो गया दोस्तों। फिर से बराबरी पे दोनों टीमें आ चुकी हैं, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है अयान सार के दोनों टीम बार बार बराबर होते जा रहा है, बार बार बराबरी पे भी क्यों ना हो, दोनों टीमें है भी मजबूत इंडिया और जर्मनी की। अब फिर से एक मौका इंडिया को मिला है दोस्तों, कोहरी की वजह से दिखाई भी नहीं दे रहा है, बहुत मुश्किल से खिलाड़ी खेल रहे हैं और बहुत से मुश्किल से हम शूट कर रहे हैं दोस्तों। और ये गोल कर दो, और रे यार बचा ली जर्मनी के टीम गोलकी ने बचा लिया इस गोल को दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है। अब जर्मनी का मौका मिला है और जर्मनी टीम गोल करने जा रही है दोस्तों, किसी भी हालत पे इस गोल को बचाना होगा टीम इंडिया को। ओह नो, टीम इंडिया ने बचाया पर ये गोल हो चुका है दोस्तों, शायद गोल हुआ कि नहीं हुआ ये पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी रिप्ले देखा जाएगा, एम्पायर का इशारा, रिप्ले देखने के बाद ही पता चलेगा ये गोल हुआ है कि नहीं हुआ है। खिलाड़ी और ऑडियंस बहुत परेशान, क्योंकि अगर ये मैच जर्मनी जीत जाती है तो लोग काफ़ी निराश होंगे, टीम इंडिया भी काफ़ी निराश, भारी चिंता स्टेडियम में खामोशी छाई हुई है, देख सकते हैं स्टेडियम काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है, सबकी नज़र गोलकी के ऊपर और रेफरी के ऊपर, और शायद कुछ हुआ है दोस्तों, अभी मैं दिखाता हूं आपको। और बहुत ही किस्मत के साथ, बहुत ही जद्दोजहद के साथ टीम इंडिया को एक मौका फिर से मिला है दोस्तों, अगर इंडिया ने ये गोल कर दिया दोस्तों तो जर्मनी का चार गोल था दोस्तों, लेकिन कुछ वजह से तीन कर दिया गया है, लगता है बेमानी किया था जर्मनी ने, इसलिए फिर से बराबर हो गया दोस्तों, और फिर से एक चांस दोनों को मिला है, और टीम इंडिया के एक खिलाड़ी गोल करने जा रही है दोस्तों, किसी भी हालत पे ये गोल को करना होगा उसे। इतना सस्पेंस भरा मैच है दोस्तों, ऐसा मैच तो मैं क्रिकेट में ही देखा हूँ, बट ये मैच ऐसा मैच, ओ नो, आपको हॉकी में भी खेलने नहीं कर देखने को मिल रहा है, क्या पता क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा कुछ दोस्तों, बहुत मतलब फिर से मिस कर, अब फिर से जर्मनी टीम ये खिलाड़ी गोल करने के लिए, और एक ही स्टाइल में दोबारा गोल किया इसने, और ये मैच जीत लिया जर्मनी ने दोस्तों, और इंडिया की हार हो गई, बहुत ही निराशाजनक और दुख की बात है दोस्तों,
जर्मनी फाइनल में पहुंच गई। आप देख सकते हैं दोस्तों, लोग बहुत ही निकलने लगे, भरा मैच था दोस्तों, बार बार चांस मिल रहा था, बार बार ड्रॉ हो रहा था और पता नहीं कौन जीतेगा, सबके मन पे यही था। बट बड़ा ही निराशाजनक बात है दोस्तों, और इंडिया टीम हार चुकी है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। तो ये आपने देखा दोस्तों, इंडिया वर्सेस जर्मनी का मैच, जो कि इंडिया बहुत ही कोशिश की और बहुत ही संघर्ष के साथ मैच खेला और काफी रोमांचक मैच था दोस्तों, पर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है इंडिया मैच मात्र एक गोल से हार गई दोस्तों। तो हम सारे रांची वासी को दुख हुआ और स्टेडियम काफी खाली हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं सारे लोग चले गए अपने अपने घर, क्योंकि लोग काफी उत्साहित थे दोस्तों, काफी उम्मीद लेके आए थे कि इंडिया आज जीतेगी और फाइनल में पहुंचेगी दोस्तों, पर कुछ कारण के वजह से इंडिया जीत नहीं पाई मैच दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल पे।